थाली कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए थाली हमारी तैयार हो गई है। और ये है पनबुड्डा, गांव का फेमस डिश, इसको पनबुड्डा बोलते हैं हमारे इधर और हर जगह का अलग अलग है। तो आज मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ शाम के समय। आप लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। और आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी के फेमस डिश पनबुड्डा। मतलब कई जगह उसको खिसनीपुरा, मतलब पनगोजवा, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमारे इधर पनबुड्डा बोलते हैं। उसी का आज हम बनाने जा रहे हैं, आपको उसकी रेसिपी पूरी फुल वीडियो दिखाएंगे हम आपको। और चलो आपको दिखाते हैं बाहर का भी। हमारे बाहर का कुछ ऐसा स्पेशल है, ये देखिए आप लोग, पानी वानी हमने बन लिया है गर्मी में वहाँ पर। और दिखाते हैं आपको बाहर का, ये देखिए रोड की तरफ का। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और बनाते हैं पनबुड्डा। यहाँ देखो शुभांगी कलाकारी कर रही है अपना, और आ रहे हैं अंदर की तरफ। ये देखो सुबह बैठा हुआ है, दिया बत्ती कर रहा है, भगवान जी हमारे बैठे हुए हैं। ये देखिए ये हम चटनी बनाने हैं टमाटर मिर्ची संभार की और पनबुड्डे के लिए। और दाल हमने पहले भिगा के रख दी थी, धो धा के रखी है, अब इसको हम दाल पीस लेंगे। और उड़द की दाल भी लोग डालते हैं, लेकिन हमने सिर्फ चने की दाल की बनाई है। चने की दाल का हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए दाल हम पीस लिए हैं और आ जाते हैं किचन में। ये देखिए दाल में नमक मिर्ची हल्दी ये सब डाल दिया है। पीसते वक्त हमने हरी मिर्ची और सांभर और अदरक डाली थी। पानी गर्म कर लेंगे हम, भाप वाला बनाएंगे और वो वाला भी बनाएंगे, मतलब पानी वाला भी। अभी देखिए हम इसके ऊपर आटा, ये देखिए आपको ये आटा गूंथ लेंगे। पानी रख दिया हमने उबलने के लिए, पहले धीरे धीरे पानी गर्म हो जाता है। ये देखिए अब इसमें हम, ये जो चलनी वाली थाली है ना, तो इसमें हमने तेल लगा के रख दिया है उसके ऊपर। और ये देखिए अब इसको हम बेलेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं पहले, छोटी छोटी लो। आज हम वैसे भाप वाला बना रहे हैं जैसे लोग मोमोज बनाते हैं, उसी स्टाइल में बना रहे हैं। और वो स्वाद भी बहुत अच्छा था। अभी आप लोग देखें, ये देखें हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने चने की दाल में नमक वमक जो मिला के रखा है, बस उसी को भर के गुजिया के शेप के बनाते हैं, जैसे गुजिया बनती है उसी के उसमें बनाते हैं। ये बेल बेल के हम रख लेंगे, कैसा है बेल। और तुरंत मतलब एक एक नहीं रख सकते ना, क्योंकि भाप के साथ में पकने के लिए होने। ये देखिए रख दिए हमने, अब और हम बेल लेंगे पूरी ऐसे छोटे छोटे। ये देखिए आप लोग भी देखिए भर के, माप के दिखा रहे हैं। अभी इतना हम भाप में पकाए थे, ये देखिए भाप वाला हो गया था। और हमने नीचे कढ़ाई में भी डाल दिया था तो वो पानी से भी पक गया है। ये भाप वाला हमने वैसे ही रखा था, तला नहीं था, बस वैसे फ्राई नहीं किया, बस वैसे ही बनाया। इसका सौंधापन अलग था। और ये देखिए जब भी आपको लगे कैसे पक गया है, कैसे पता चले, चक्कू डाल के देखो, अगर दाल चिपक रही है साथ में तो नहीं पका है, और अगर साफ चक्कू निकल रहा है तो समझ लो पक गया है। ये देखिए आपको ये निकाल दिया हमने पनबुड्डा। अब इसको हम इसी में ऐसे चला लिए ताकि इसमें हम निकाल लें वो जो लगा रहता है आटे वाटे का। और ये हमारे सास ससुर के लिए हमने निकाल दिया, सास के लिए, क्योंकि वो तला हुआ नहीं खाते वो लोग, वो सिर्फ उबाला और ऐसे हाथ में पका हुआ खाते हैं। और ये देखिए हम इसको कट कर लेंगे, ये छोटे छोटे पीस कर लो तो। और अभी ये राई डाल दिया है, हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये मिर्ची पाउडर डाल दिया है, कड़ी पत्ता लाए थे उसको भी डाल दिया। अब इसको सर्व कर लेंगे, अभी ये फ्राई कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। हम लोग तो हमको बहुत पसंद है, आप लोग भी करना कभी भी ट्राई ज़रूर करना, एक बार बना के देखो हमारे तरफ से, आपको भी अच्छा लगेगा। कमेंट करते हैं, और आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मैं मतलब ब्लॉगिंग भी करूँगी, ब्लॉग का भी दिखाया करूँगी, और आपको रेसिपी ज़्यादा दिखाऊँगी, क्योंकि रेसिपी मुझे आती है खाना बनाना, और बस यही सब है आप लोगों को। और आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
और जो भी हमारे वीडियो में गलती हो रही है वो भी आप लोग बताइए प्लीज कमेंट करके, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।